हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जब भी कोई साड़ी फैशन या ट्रेंड में होती है तो शायद ही ऐसा हो कि हम लेडीज़ उस साड़ी को ना लें। बेशक वो साड़ी हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती या फिर हम उस साड़ी में शायद ना उतना कंफर्टेबल फील ना करते हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो साड़ी हमारी वार्डरोब में ना हो। मैं बात कर रही हूँ नेट साड़ी की, जो काफ़ी ट्रेंड में रही थी और अभी भी थोड़ी बहुत हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि साड़ी अगर ट्रेंड में और हम लोग ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने भी एक दो साड़ियाँ ली थी नेट की। लेकिन ले तो ली थी फैशन की, हाँ फैशन में है तो चलो मैं ले लेती हूँ, लेकिन वो साड़ी मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं आई। क्योंकि एक तो जो नेट साड़ी होती हैं पूरी ट्रांसपेरेंट होती हैं, प्लस उन साड़ियों को पहन के मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। इसलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना इस साड़ी का रीयूज़ करके इसका एक कुर्ती बनाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस साड़ी का लुक दिखाती हूँ कि ये साड़ी कैसी थी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी है जो अभी आपको मैंने पहन के दिखाई। क्योंकि ये नेट साड़ी थी इसलिए मेरे को इसका जो ब्लाउज़ का लेंथ चाहिए था वो नॉर्मल ब्लाउज़ से ज़्यादा चाहिए था। तो इसकी जो मैंने लेंथ रखी है, रखी थी क्योंकि अब तो मैं इसको डिज़ाइन चेंज कर रही हूँ, तो इसकी जो मेरी लेंथ थी ब्लाउज़ की वो मेरी 16.5 थी। नॉर्मली जो आपके ब्लाउज़ होते हैं वो या तो आपके 13.5, 14, 14.5, 15 तक जाते हैं, लेकिन ये मुझे लंबा बनाना था, इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी थी, इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ की लेंथ ये देखिए 16.5 रखी थी। और जो इस ब्लाउज़ को मैंने एक शॉर्ट कुर्ती पैटर्न दिया था, जिसमें कि मैंने ये साइड में देखिए चाक ओपन रखे थे, दोनों साइड में मैंने इसको ओपन रखा था कि मुझे पहनने में दिक्कत ना आए और कंफर्टेबल रहे। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरफ चाक ओपन है, और इसमें मैंने दोनों तरफ, जैसे आप इस तरफ देख सकते हैं, फ्रंट में भी ये बॉर्डर दिया था, बैक साइड में भी दिया था, जो कि मैं इसको रिमूव कर चुकी हूँ। ये भी ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ आपको दिखाने के लिए कि हाँ किस तरह से मैंने बॉर्डर अटैच किया था इसमें। ये इस तरीके से मैंने बॉर्डर लगाया था। अब जो मेरे को इसको अभी आगे इसका डिज़ाइन चेंज करना है, उसमें मेरे को एक लॉन्ग कुर्ती का पैटर्न देना है। तो लॉन्ग कुर्ती के पैटर्न में मेरा जो ये ब्लाउज़ की लेंथ है वो ऑलरेडी मेरे पास सफिशिएंट है। क्योंकि हम कोई भी लॉन्ग कुर्ती, गाउन या कुछ इस तरह के ड्रेस बनाते हैं तो नॉर्मली 15 या 16 इसकी लेंथ रखते हैं। अब आगे मुझे क्या करना है, जो मुझे इसका स्कर्ट एरिया का घेर चाहिए वो मैं इसमें अटैच कर सकती हूँ। तो जो ये मेरा साड़ी का ये पल्लू पोर्शन है, और आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे को इसमें ऊपर भी कढ़ाई दे रखी है और नीचे भी कढ़ाई दे रखी है, तो दोनों तरफ का हिस्सा भरा हुआ है और ये काफ़ी आगे तक है। ये देखिए करीबन ये डेढ़ मीटर के करीब होगा ये जो मेरा डिज़ाइन पूरा यहाँ ऊपर में भी आ रखा है, और उसके बाद में नॉर्मली नीचे में डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ तक पल्लू का आ रहा है जो हमारे डिज़ाइन जो ये है, और उसके बाद में ऊपर प्लेन है साड़ी और नीचे ये बॉर्डर है, और उसके बाद में जहाँ से हम साड़ी बांधना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए जहाँ से हम साड़ी बांधना स्टार्ट करते हैं ये पूरा पोर्शन हमारा प्लेन है। ये देखिए इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कोई भी बूटी नहीं है, काफ़ी हिस्सा प्लेन है। तो जो मेरा अभी डिज़ाइन मुझे बनाना है वो मुझे इस तरीके से बनाना है कि जो ये कढ़ाई है हमारी पूरी आगे हमको फ्रंट हिस्से में उभर के आए। ये जो प्लेन हिस्सा है ये तो मैं अभी कट करके इसको निकाल दूंगी, क्योंकि ये हमारे इसमें डिज़ाइन में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। और जो ये फ्रंट पल्लू वाला डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको बताया ये करीब दो मीटर के आसपास होगा, तो जो ये डिज़ाइन है
इसको मैं अपने जो कुर्ती है उसके फ्रंट में दूंगी। तो मेरे को इस पूरे डिज़ाइन का हाफ कट करना पड़ेगा ताकि ये जो डिज़ाइन है मेरे आगे के दोनों उसमें डिज़ाइन उभर के आ जाए, क्योंकि इसको मैं आगे फ्रंट स्लिट ओपन करूँगी। स्लिट ओपन में आगे मेरा पूरा कट रहेगा डिज़ाइन का, और उसकी वजह से ये डिज़ाइन मुझे दोनों पोर्शन में चाहिए। तो जितना भी ये पोर्शन है डिज़ाइन का उसको मैं हाफ कट करके प्लस पीछे और फ्रंट के और हिस्से में और उसमें गैदर्स डालने के लिए मैं जो ये अपना बैक पोर्शन का है ये वाला डिज़ाइन यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने ये साड़ी को फ्लोर पे बिछा दिया है, क्योंकि साड़ी इतनी लंबी चौड़ी होती है तो उसको हम को जब कटिंग करनी होती है तो हमको फ्लोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्लोर पे हम अच्छे से उसको बिछा के और अच्छे से मेज़रमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा पल्लू पोर्शन है उसमें ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी, आप ये देख सकते हैं ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और ये जो मेरी एम्ब्रॉयडरी है ये करीबन 1.25 मीटर तक है ये एम्ब्रॉयडरी। तो मैंने यहाँ से जब मेज़रमेंट किया तो ये 1.25 मीटर के आसपास आ रही थी, और 1.25 मीटर ही मैंने पूरा जितना ये मेरा ऊपर का डिज़ाइन था उतना ही मैंने डबल फोल्ड किया। आप देख सकते हो ये वहाँ तक जो मेरा बॉर्डर आ रहा है पल्लू का वहाँ तक मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, और इतना मेरे को 1.25 मीटर काफ़ी है कि एक तरफ के गैदर्स आ सकें। तो साड़ी का जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मेरे को यूज़ में नहीं लेना था वो मैंने देखिए उधर से कट कर दिया है, और ऐसे ही अभी डबल फोल्ड ही कपड़ा बिछा हुआ है। और अब मेरे को इधर का ये जो जॉइंट है, जो कपड़े का जॉइंट है, ये मेरे को अलग करना है। जब भी आप इस तरह की कटिंग करें तो बहुत ध्यान से करें, इसमें कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जो नेट का फैब्रिक होता है बहुत लाइट वेट होता है, तो आप अगर जल्दीबाजी में कटिंग करेंगे तो ये आगे पीछे पल्ले हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी ये कटिंग पूरी हो गई है। अभी मेरे को क्योंकि आगे फ्रंट स्लिट ओपन देना है तो अभी मुझे ये जो फ्रंट हिस्सा है, जो डिज़ाइन वाला ये हिस्सा है, मेरे को इसके भी हाफ पोर्शन करने पड़ेंगे। तो ये जो मेरा बैक वाला पोर्शन था जो हमने कपड़ा डबल फोल्ड किया था उसको भी मैंने आपको दिखाया कि साइड से कट कर दिया था, कट करने के बाद में ये मैंने बैक पोर्शन इसको अलग रख दिया है, और जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है इसको भी मुझे क्योंकि आगे फ्रंट में स्लिट ओपन देना है तो इसके लिए इसको भी मैं इस कपड़े को भी मैंने डबल फोल्ड बिछा दिया है, और अभी इधर से इसको भी कट करके अलग कर देती हूँ पोर्शन। तो मैंने ये वाला भी पोर्शन कट कर दिया है, जो आगे का फ्रंट पोर्शन था उसको भी दो हिस्सों में मैंने काट दिया है। ये देखिए दो अलग अलग हिस्से हो गए, तो एक इसमें हमारा इस तरफ आ जाएगा आगे में, और एक इस तरह से ये इस तरीके से आएगा, और इसमें भी मैं आगे जैसे इस तरफ पोर्शन में ये बॉर्डर लगा हुआ है इसमें भी आगे मैं बॉर्डर जो है अटैच करूँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये बॉर्डर अटैच करना है, जो हमारा आगे के पोर्शन में जो हमारा फ्रंट स्लिट रहेगा उसमें ये जॉइंट करना है, और ये जो बॉर्डर है इसको हमको बहुत ध्यान से इसमें अटैच करना है, क्योंकि जो हमारा ये नेट फैब्रिक होता है ये बहुत डेलिकेट होता है, तो इसीलिए हमको ये जो बॉर्डर है बहुत ध्यान से धीरे धीरे अच्छे से इसको अटैच करना है। और अगर आपको परेशानी हो रही हो कि हाँ भाई हम ढंग से हमारे को अटैच करने में डायरेक्टली फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आप सबसे पहले इसको कच्चा कर लीजिए साड़ी के साथ में बॉर्डर को, और उसके बाद फिर मशीन चलाइए। तो ये अपना धीरे 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 अपना आराम से अच्छे से मशीन लगाइए, और जो हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन आएगा इसमें हमको ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये लास्ट पोर्शन है ये हमारा अपर पोर्शन जो हमारा ब्लाउज़ पोर्शन है उसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ये आराम से ये बॉर्डर लगा के जो हमारा बैलेंस ये बॉर्डर बच रहा है इसको कट कर दीजिए। हमने कट कर दिया है, अभी इसके बाद में
जो अभी हमारा ये दूसरा साइड है, एक साइड तो हमने ये मशीन से फिक्स कर ही दिया है, जो दूसरा साइड है उसको भी अब हमको मशीन लगा के फिक्स करना है। तो ये देखिए दोनों तरफ मेरा बॉर्डर लग चुका है और अब जो ये हमारा आगे का पोर्शन रेडी हो गया है और इसको हमको अपने ब्लाउज़ के साथ में फ़िक्स करना है। इस तरीके से चुन्नट देनी है, इस आराम से इसमें धीरे धीरे से अपना चुन्नट कीजिए। अगर आपको परेशानी हो रही हो कि भाई हम ढंग से इसमें चुन्नट नहीं दे पाएंगे, ब्लाउज़ में ब्लाउज़ के साथ में फ़िक्स नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको पहले कच्चा कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको प्लेट्स को कच्चा करके ये पिन लगा दी हैं, तो ये पिन भी आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो ये अपने मैंने छोटी छोटी प्लेट्स डाल के अपना ये पिन से फिक्स कर दी हैं और इस पे आराम से धीरे धीरे आप अपना मशीन लगाते जाइए और फिनिशिंग के साथ में इसको जॉइंट करते जाइए। ये देखिए धीरे धीरे आराम से अपना इसको फिक्स करते जाइए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तो ये जो सेंटर में हमारा ये बॉर्डर है, ये देखिए ये बॉर्डर जो है इसको हमने एज इट इज़ रखा है, इसमें कोई प्लीट्स नहीं डाली हैं, क्योंकि बॉर्डर होने के कारण इसमें हमको प्लीट्स नहीं डालनी है। प्लीट्स डालने से जो इसकी फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने ये बॉर्डर के साइड में प्लीट्स डाली हैं। बॉर्डर वाले पोर्शन पर हमको एज इट इज़ ही मशीन से फिक्स करना है। अब ये देख सकते हैं दोनों तरफ अपना प्लीट्स हैं, ये छोटी छोटी प्लीट्स अपना डालते जाइए साथ में। फ्रेंड्स ये मेरी लॉन्ग कुर्ती बनके रेडी हो गई है। ब्लाउज़ में मैंने कोई भी चेंज नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मेरी जो इसकी ब्लाउज़ की लेंथ थी वो 16.5 इंच थी, तो उसमें से मेरे को सिर्फ 1 इंच कम कट करना पड़ा नीचे से, क्योंकि 16.5 एक ड्रेस के लिए जो अपर पोर्शन की जो लेंथ रखते हैं उसके लिए थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये इस तरीके से रहा। स्लीव्स में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मुझे ऐसी ही पसंद आ रही थी। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको ये 3/4 चाहिए या कोई और पैटर्न में चाहिए, तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी अगर इसके घेर की बात की जाए तो जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसको गैदर्स के लिए बात करी थी कि इसमें गैदर्स मतलब चुन्नट जो डालते हैं हम छोटी छोटी, उस चुन्नट डालने का प्लान था। लेकिन जब मैं बनाने लगी और मैंने चुन्नट डाल के देखी तो उससे इसका उतना लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उस टाइम प्लान चेंज करके ये छोटी छोटी प्लेट्स डाली, तो इससे इसका जो ये डिज़ाइन है ऊपर वाला ये बहुत अच्छा उभर के आ रहा था। और ये बॉर्डर इस तरीके से लगा ही दिया है मैंने, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका ये लुक आ रहा है। सबसे मेन पार्ट इस लॉन्ग कुर्ती का है इसकी डोरी पीछे की, आप देख सकते हो इस तरह की ये डोरी आ रही है। ये डोरी भी मैंने बनाई है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये अपना छोटे छोटे टेसल्स लगाए हैं। और ये जो इसके मेन अट्रैक्शन है इसके डिज़ाइन का, ये देखिए ये भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली जो हमारी नेट साड़ीज आती हैं उनके साथ में ये शिमर का फैब्रिक आता है अंडर स्कर्ट्स के लिए, तो मेरी भी साड़ी में ये शिमर साथ में ही आया था जिसका मैंने इस अंडर स्कर्ट बनाया था। नॉर्मली इसमें डोरी थी बांधने के लिए और जो इसकी लेंथ थी सफिशेंट थी एक साड़ी के साथ में पेयर करने के लिए, पर क्योंकि मैंने इसको अभी साड़ी को रियूज़ करके इसका एक लॉन्ग कुर्ती बना दी, तो उसके हिसाब से मेरी जो ये अंडरस्कर्ट थी इसमें मुझे दो चेंजेस करने पड़े। एक तो क्या जो हमारी ये डोरी थी बांधने वाली, इसको मैंने इलास्टिक लगाया, ये साइड से जो हमारा साइड ओपन रहता है डोरी बांधने के लिए, इसको पूरा बंद करके इसमें मैंने फुल इलास्टिक दी। इसकी लेंथ में मैंने ये जो हमारी नेट बची थी साड़ी में से उसको ये मैंने डबल करके, ये देखिए डबल है, इसको डबल फोल्ड करके ये मैंने छोटी छोटी प्लीट्स दी हैं, क्योंकि जब हम ये लॉन्ग कुर्ती के साथ इसको पेयर कर रहे थे तो इसकी लेंथ कम पड़ रही थी और थोड़ी प्लफी भी कम लग रही थी, क्योंकि आप अगर इस तरह की लॉन्ग कुर्ती के साथ में जो अंडरस्कर्ट है वो अगर पहनोगे और उसकी लेंथ कम रहे या प्लफी सी नज़र ना आए तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें मैंने ये दो चेंजेस किए, एक तो इधर इलास्टिक डाला और एक नीचे लेंथ में
इसमें नेट फैब्रिक की प्लीट्स डाल दी। और इसमें एक और बात है कि जैसे कई साड़ियों में, नेट साड़ियों में फैब्रिक ये अंदर अंडरस्कर्ट के लिए नहीं देते हैं शिमर का। अगर आप मूड बना रहे हैं कि कोई इस तरह की ड्रेस सिली जाए या लॉन्ग कुर्ती सिली जाए, तो आप इसके लिए अंडरस्कर्ट के लिए साटन का जो फैब्रिक आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक नॉर्मल फ्लेयर की हमारी अंडरस्कर्ट बने, तो नॉर्मल इसमें ए शेप की आप बना सकते हैं। आपको चाहिए कि अच्छी घेर वाली ही हम लोग इसकी स्कर्ट बनाए इसके साथ पेयर करने के लिए, तो आप इसमें कंट्रास्ट में भी कोई दूसरे कलर के साथ में इस लॉन्ग कुर्ती को पेयर कर सकते हैं। प्लस जो है कि आपको अगर चाहिए कि जो हमारी स्कर्ट है वो अच्छे से फ्लफी दिखे, तो उसमें जो हमारे अंदर की साइड में कैनकेन भी यूज़ कर सकते हैं। कैनकेन लगाने के बाद में आपकी जो स्कर्ट है उसमें काफ़ी अच्छा फ्लो आ जाएगा। तो चलिए मैं इस ड्रेस को आपको पहन के दिखाती हूँ। तो मेरी ये ड्रेस इस तरीके से बनके तैयार हो गई है, लॉन्ग कुर्ती विद स्कर्ट। और अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ चलो हम भी अपनी नट साड़ी अलमीरा में से निकालें और अपना इस तरीके कोई ड्रेस बनाने का प्लान करें, तो ध्यान रखिएगा कि नेट फैब्रिक जो होता है हमारा बहुत सॉफ्ट बहुत लाइट होता है, तो उसको अगर आप खुद स्टिच करने जा रहे हैं तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं अब जो हमारी ये लॉन्ग कुर्ती है इसको हमको गाउन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जो ये इस तरीके से आपने जो ये स्लिट ओपन रखी है आप इसको बंद भी कर सकते हैं, नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसको बंद कर सकते हैं और इसको अपना गाउन में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।